हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राधिका राठी, आई वेलकम यू ऑन अनवीरा ऑनलाइन स्कूल। टुडे वी विल स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर। फॉर क्लास फोर्थ। कौन सी क्लास? फोर्थ क्लास, EVS। तो टुडे वी विल स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर फॉर क्लास फोर्थ। सो नेम ऑफ आवर फोर्थ चैप्टर इज लेट्स हैव फन एंड लेट्स प्ले गेम्स। तो चैप्टर का नेम क्या है? लेट्स हैव फन एंड लेट्स प्ले गेम्स। फन मीन्स एंजॉय करना, मजे करना, एंड प्ले मीन्स खेलना, गेम्स मीन्स खेल। तो चलो इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर के नेम का मतलब है कि चलो हम फन करते हैं एंड गेम खेलते हैं। क्या नेम है इसका? प्ले करते हैं गेम, गेम्स खेलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर दिस चैप्टर। व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर? हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि गेम्स खेल के कैसा इंजॉय होता है, हम गेम्स को कैसे फन करते हैं, कैसे इंजॉय करते हैं, कौन कौन से गेम्स होते हैं, कौन से गेम इंडोर गेम्स होते हैं, कौन से गेम आउटडोर गेम्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर दिस चैप्टर। वी ऑल ईगरली वेट फॉर आवर गेम्स पीरियड। वी मीन्स हम, ऑल मीन्स सभी, ईगरली मीन्स बेशबरी से, ईगरली मीन्स बेशबरी से, वेट मीन्स इंतजार करते हैं आवर गेम्स पीरियड, हमारी गेम की क्लास का। तो हम सभी बहुत बेसब्री से हमारी गेम की क्लास का, गेम पीरियड का इंतजार करते हैं। Isn't it? क्या यह सही है? तो पूछ रहे हैं कि isn't it? क्या यह सही है? Do you feel relaxed after the game period? Do means क्या, you means आप, feel means महसूस करते हो, कैसा? Relaxed, एकदम freely, without tension, without fear. After के बाद the game period, तो ये क्या कह रहा है कि क्या आप game period, गेम की क्लास के बाद खुद को कैसा फील करते हो? रिलैक्स्ड फील करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? आप भी करते हो ना, गेम के बाद बहुत ही रिलैक्स फील होता है और आप भी अपनी गेम की क्लास का बहुत वेट करते हो, करते हो। बच्चों को गेम खेलना बहुत पसंद होता है। Does playing games make you cheerful? Does playing means game खेलना, playing means खेलना, games make you, make means बनाता है, you means आपको, cheerful means बहुत खुश बनाता है, cheerful means happy, आपको बहुत खुश बना देता है। तो क्या game खेलने से आप खुश होते हो, आपको happy होते हो? Yes, I will. I do playing games with cheerful. हम गेम खेलते हैं तो बहुत खुश होते हैं और हम सभी भी गेम खेल के हमें बहुत खुशी होती है और हम गेम का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। Yes, we all really enjoy playing games. Yes, हाँ, we means हम, all means सभी, really enjoy करते हैं playing games। हाँ, हम सभी सच में बहुत game को enjoy करते हैं, game को खेलते time बहुत enjoy करते हैं, बहुत fun करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोग भी करते हो, game खेलते हो तब, करते हो ना, आपको game खेलते हो तो बहुत मज़ा आता है। वैसे ही सबको भी मज़ा आता है, हमें भी मज़ा आता है। We play games for recreation. We means हम, play means खेलना, games means खेल को, for recreation, recreations means वापस बनाना, कुछ new create करना, कुछ नया बनाना, कुछ नया सीखना। तो हम game किस लिए खेलते हैं? हम इसीलिए खेलते हैं game कि हम कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, इसीलिए हम game खेलते हैं, इसीलिए खेलते हैं ना।
प्लेइंग गेम्स कीप्स अस फिट एंड हेल्दी ऑल्सो. प्लेइंग गेम्स मीन्स खेल खेलना, कीप्स मीन्स रखता है, अस मीन्स हमें फिट एंड हेल्दी. तो हम जब खेल खेलते हैं, कोई भी गेम खेल रहे होते हैं, तो हम उससे हमारी बॉडी क्या होती है, फिट एंड हेल्दी होती है. उससे हमारी बॉडी क्या होती है, एकदम फिट एंड हेल्दी होती है. तो गेम खेलने से हम एकदम फिट एंड हेल्दी रखते हैं, हमें कोई भी डिजीज नहीं होता है. सो वॉट यू कैन इन दिस पिक्चर्स, आपको इस पिक्चर्स में क्या दिखाई दे रहा है, वॉट वी सी इन दिस पिक्चर्स. यू सी इन फर्स्ट पिक्चर्स, आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, टू गर्ल्स एंड वन बॉय प्लेइंग गेम्स. इस पिक्चर में क्या गेम खेल रहे हैं, वो क्या खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं शायद, है ना. तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी है जिसमें कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं. एंड सेकेंड पिक्चर शोज, इस पिक्चर्स में आपको क्या दिख रहा है, कौन सा गेम खेल रहे हैं बच्चे इस पिक्चर में. थ्री चिल्ड्रंस आर प्लेइंग कैरम बोर्ड, ये कौन सा गेम है, कैरम बोर्ड. तो यहाँ पे टू गर्ल एंड वन बॉय कौन सा गेम खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड. कौन सा गेम खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड. कैरम बोर्ड क्या है, इंडोर गेम्स है जो घर के अंदर खेला जाता है. एंड थर्ड पिक्चर इज शो, इस पिक्चर्स में क्या दिखाई दे रहा है, टू बॉय प्लेइंग लूडो, क्या खेल रहे हैं वो, लूडो खेल रहे हैं. तो यहाँ पे बच्चे क्या गेम खेल रहे हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं, लूडो खेलते हैं. तो आप भी खेलते होंगे ना, आप भी अपने घर में बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन या अपने भाई बहन के साथ कैरम बोर्ड, लूडो, क्रिकेट ये सब खेलते हो कि नहीं खेलते हो, आप भी अपने घर में खेलते हो गेम्स. तो ये सब बच्चे भी अपने घर में कैरम बोर्ड और लूडो खेल रहे हैं. वॉट डू यू डू इन योर लीजर टाइम, वॉट मीन्स क्या, डू मीन्स करना, यू मीन्स आप, इन योर लीजर टाइम, कैसा टाइम, लीजर टाइम. तो लीजर टाइम मीन्स फुर्सत के टाइम, जब हमारी छुट्टी होती है, हमारे स्कूल की छुट्टी होती है, हम खाली समय, फुर्सत में लीजर मीन्स खाली समय. लीजर मीन्स क्या होता है, खाली टाइम, जब आप एकदम फ्री होते हो, जब आपकी छुट्टी होती है, तो आप क्या करते हो उस टाइम में. आप लोगों की भी संडे की छुट्टी होती है, या आप घर में भी जब फ्री होते हो, जब आपके पास कोई काम नहीं होता है, तो उस टाइम में आप क्या करते हो. आफ्टर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, आफ्टर मीन्स के बाद, कंप्लीटिंग मीन्स पूरा करना, देयर होमवर्क अपना होमवर्क पूरा करने के बाद, सम चिल्ड्रन प्रीफर टू प्ले गेम्स लाइक कैरम, चेस, लूडो एक्सेट्रा. तो अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद कुछ बच्चे कहाँ जाते हैं, प्ले मीन्स खेलना, गेम खेलने जाते हैं. और कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं, कैरम, चेस एंड लूडो. हमने यहाँ पे इस पिक्चर्स में देखा था ना ऊपर, ये क्या है, यहाँ बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, यहाँ टू चिल्ड्रन क्या खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं. तो हम भी हमारे होमवर्क कंप्लीट करने के बाद गेम खेलते हैं, लूडो, कैरम, चेस एक्सेट्रा. ड्यूरिंग समर टाइम मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन प्ले दीज इंडोर गेम्स. तो लूडो, चेस एंड कैरम ये कैसे गेम्स हैं, इंडोर गेम्स. इंडोर गेम्स मीन्स जो गेम घर के अंदर खेले जाते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग समर वैकेशन. समर मीन्स गर्मी, वैकेशन मीन्स छुट्टियाँ. तो गर्मी की छुट्टियों के दौरान या गर्मी की छुट्टियों के समय, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन प्ले, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, कौन से गेम खेलते हैं, इंडोर गेम्स. इंडोर गेम्स मीन्स लूडो, चेस, कैरम, कार्ड्स ये सब खेलते हैं, जो हम घर के अंदर खेलते हैं वो होते हैं इंडोर गेम्स. These are called indoor games because they can be played easily in
आवर होम्स ओनली. इनको इंडोर गेम्स क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है? बिकॉज, क्योंकि. दे मीन्स क्या, या दे किसके लिए आया है? इंडोर गेम्स के लिए. कैन बी प्लेड मीन्स खेले जाते हैं. इजीली मीन्स आसानी से. आवर होम्स ओनली, हमारे घर के अंदर जो आसानी से गेम खेले जाते हैं उन गेम्स को क्या कहते हैं? इंडोर गेम्स. देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायर्ड इन दीज गेम्स. देयर मीन्स कहाँ, इंडोर गेम्स प्लेइंग में. नो फिजिकल एक्टिविटी, इसमें फिजिकली हमें कोई वर्क नहीं करना होता है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी होती है, ना भागना होता है, ना दौड़ना होता है, ना कुछ चलना होता है. रिक्वायर्ड मीन्स जरूरत होती है. दीज गेम्स, इन गेम्स में, तो इन गेम्स में, कौन से गेम्स में? इंडोर गेम्स में फिजिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. दीज गेम्स आर फन विदाउट रन. दीज गेम्स आर कौन से गेम्स? इंडोर गेम्स आर फन मीन्स बहुत मजा आता है, बहुत इंजॉय आता है. विदाउट रन, बिना दौड़े. रन मीन्स दौड़ना, दौड़ना भागना. तो इन गेम्स को खेलने में बहुत मजा आता है. बिना दौड़े भागे भी इन गेम को खेलने में हमें बहुत मजा आता है. आता है कि नहीं आता है? आप लोगों ने भी कैरम बोर्ड, लूडो, चेस, ये सब गेम्स खेले होंगे ना. तो वैसे ही हम लोग भी ये गेम्स खेलते हैं और बहुत सारे बच्चे ये गेम्स खेलते हैं. तो क्या उनको, आपको इन लोगों, इन गेम के खेलने में मजा नहीं आता है? बहुत मजा आता है. बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ETC आर ऑल्सो प्लेड इन अ कवर्ड एरिया. बैडमिंटन, बैडमिंटन कैसा गेम होता है? टू बैट्स के एंड वन कॉक के थ्रू टू पीपल खेलते हैं. नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर्स. इस पिक्चर्स में क्या दिखाई दे रहा है? इस पिक्चर में बच्चे क्या खेल रहे हैं? बैडमिंटन खेल रहे हैं. टू चिल्ड्रन एंड बैट्स. एंड ये क्या है? कॉक से एक दूसरे की साइड मारते हैं. आप लोगों ने भी बैडमिंटन खेला होगा ना. टेबल टेनिस, बैडमिंटन आप लोग भी खेलते होंगे. तो बैडमिंटन, टेबल टेनिस आर ETC आल्सो प्लेड मीन्स खेले जाते हैं इन कवर्ड एरिया. जो एरिया क्या हो? कवर्ड हो, ओपन स्पेस ना हो, जिसमें वो एरिया कंप्लीटली बिना डेंजर, विदाउट डेंजर हो, कवर्ड एरिया में ये गेम्स खेले जाते हैं. कैन यू टेल व्हाई आर दीज गेम्स प्लेड इन कवर्ड एरिया? टेल मीन्स बताना, व्हाई मीन्स क्यों. दीज गेम्स प्लेड आर कवर्ड एरिया. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बैडमिंटन और टेबल टेनिस, आप मुझे ये बताओ कि टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन क्यों कवर्ड एरिया में खेले जाते हैं, क्यों कवर्ड एरिया में खेले जाते हैं. These indoor games involve lots of physical activity. These indoor games होते हैं, ये जो indoor games होते हैं इनमें क्या होती है? Involve means शामिल होती है इसमें. इसमें क्या शामिल होती है? Lots of physical activity. Physical activity means जब हम badminton खेलते हैं, table tennis खेलते हैं, तो उसमें उठना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, हमारे hands movements होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं. तो इन इंडोर गेम्स में क्या होती है? बहुत सी फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड होती है, इन्वॉल्व होती है. नेक्स्ट, सम चिल्ड्रन लव टू प्ले आउटडोर गेम्स. सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे, लव मीन्स प्यार करते हैं, टू प्ले मीन्स खेलना, आउटडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स कौन से? ओपन, जो स्पेस में खेले जाते हैं, जो जो गेम्स घर के बाहर खेले जाते हैं, उन गेम्स को क्या कहते हैं? आउटडोर गेम्स. लाइक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ETC. कौन से होते हैं गेम्स, आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं? क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल, जो हम आउटडोर गेम्स होते हैं घर के बाहर खेलते हैं. क्रिकेट आप लोग, हॉकी वगैरह घर के अंदर खेलते हो क्या? नहीं खेलते हो ना. तो ये गेम्स कैसे होते हैं? घर के बाहर खेले जाते हैं. तो दीज गेम्स आर आउटडोर गेम्स. गेम्स मेक अस हेल्दी. गेम हमें, मेक्स मीन्स बनाता है, हेल्दी मीन्स विदाउट डिजीज, विदाउट एनी डिजीज. हम कैसे रहते हैं? हेल्दी रहते हैं. गेम खेलने से हम हेल्दी एंड फिट रहते हैं.
दे ऑल्सो मेक आवर माइंड चीयरफुल एंड रिलैक्स्ड एंड आउटडोर गेम्स मेक मीन्स बनाते हैं आवर माइंड हमारे दिमाग को चीयरफुल मीन्स हैप्पी खुश रखते हैं खुश बनाते हैं एंड रिलैक्स्ड विदाउट एनी वर्क. रिलैक्स्ड मीन्स उस समय हम कोई काम नहीं करते और हमें एकदम अच्छा फील होता है. जब हम भी आप भी गेम खेलते हो तो आपको भी ऐसा ही फील होता है ना, आपका माइंड एकदम चीयरफुल हैप्पी रिलैक्स्ड होते हो कि नहीं होते हो आप भी विदाउट एनी फियर. इन दिस वे गेम्स मेक अस फिट फॉर स्टडीज. गेम्स क्या करते हैं, हमें फिट बनाते हैं. किसके लिए बनाते हैं, स्टडी. स्टडी के लिए भी हमें फिट बनाते हैं. जब हम स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारा बर्डन या जब हम थके हुए होते हैं तो गेम खेलने से हमारा माइंड जो है वह हैप्पी हो जाता है, चीयरफुल एंड रिलैक्स्ड हो जाता है, जिससे हमारे स्टडी में इजीली हम फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट होके स्टडी कर सकते हैं. थिंक एंड राइट. फर्स्ट मेक अ लिस्ट ऑफ 5 इंडोर एंड 5 आउटडोर गेम्स. आपको कौन से मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाओ. कहाँ लिस्ट बनानी है, कौन सी लिस्ट बनानी है, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स की है. तो आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें 5 इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के नेम लिखने हैं. तो आप लोग लिख सकते हो ये एक्टिविटी आपको अपने होमवर्क में करनी है. ओके, तो आपको इंडोर एंड आउटडोर के 5 5 नेम्स राइट डाउन करने हैं. हैव यू एवर प्लेड एनी आउटडोर गेम्स. हैव मीन्स क्या, यू मीन्स तुम, एवर प्लेड मीन्स खेलते हो या खेल लेते हो. एनी आउटडोर गेम्स, कोई भी घर के बाहर खेले जाने वाला गेम क्या आप भी खेलते हो, तो क्या आप लोग खेलते हो ये गेम. इट्स क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन यू. तो ये क्वेश्चन आप पे है, आप जाते हो तो आप क्या लिखोगे. यस आई प्ले एनी आउटडोर गेम्स. एंड नो, तो नो. डू यू नो द रूल्स ऑफ प्लेइंग एनी गेम्स. क्या, नो मीन्स जानना, तो क्या आप जानते हो रूल्स ऑफ प्लेइंग, खेलने के नियम, कोई भी गेम खेलने के नियम क्या आप जानते हो. तो आप जानते हो कोई भी गेम हम स्टार्ट करते हैं खेलने से पहले तो उससे उसके रूल्स हमें जानने होते हैं और जानने भी चाहिए. हमको पता होने चाहिए कि किस रूल का क्या, किस गेम का क्या रूल है. तो दीज एक्टिविटी आर डिपेंड्स ऑन यू एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक. ओके, नेक्स्ट. फॉलो द रूल्स. फॉलो मीन्स पीछा करना या पालन करना. फॉलो मीन्स पालन करना एंड द रूल्स और नियम को पालन करना. जो कोई भी गेम हम खेलते हैं उन तो सब गेम के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो हमें उन गेम्स के क्या करने चाहिए, रूल को फॉलो करना चाहिए. व्हेन वी प्ले गेम्स समटाइम्स वी कमिट मिस्टेक्स अननोनली. व्हेन मीन्स जब, वी मीन्स हम, प्ले मीन्स खेलते हैं गेम्स. हम जब हम गेम खेलते हैं तो समटाइम्स कभी कभी वी कमिट मिस्टेक्स. वी मीन्स हम, कमिट मीन्स करते हैं क्या, मिस्टेक्स. मिस्टेक्स मीन्स हम कभी कभी गलती कर देते हैं. अननोनली, अननोनली मीन्स बिना जाने. तो जब हम कभी कभी खेलते हैं कोई भी गेम खेलते हैं तो हम बिना जाने कभी कुछ गलती कर देते हैं. हमसे भी कभी कोई गलती हो जाती है, हम जानबूझ के वह गलती नहीं करते हैं, अनजाने में हमसे वह गलती हो जाती है. आपसे भी हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, तो वह गलती किसी से भी कभी कभी हो जाती है. समटाइम्स द प्लेयर हिमसेल्फ और हर सेल्फ ट्राइज टू चीट. समटाइम्स कभी कभी द प्लेयर, जो खिलाड़ी होता है गेम को खेलने वाला क्या होता है, प्लेयर, खिलाड़ी होता है. हिमसेल्फ और हर सेल्फ जो भी होता है, हिज या हर, ट्राइज मीन्स कोशिश करता है, चीट, चीट मीन्स चीटिंग करना, तो वह गेम के रूल्स को फॉलो नहीं करता है और वह बिना जाने कभी, तो कभी अनजाने में गलती हो तो ठीक है चलता है, बट जाने अनजाने नहीं, जानबूझ के कोई प्लेयर चीटिंग करता है, चीटिंग करने की कोशिश करता है उस गेम में.
वी ऑफन मेक आर्ग्यूमेंट्स विद द मेंबर्स ऑफ द ओपोनेंट टीम. वी मीन्स हम, मेक मीन्स करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट मीन्स लड़ाई, आर्ग्यूमेंट मीन्स क्या होता है, लड़ाई. विद द मेंबर, किसके साथ, उस सदस्य के साथ. द अपोनेंट टीम, अपोनेंट टीम मीन्स उस गेम में या उस गेम की जो अपोजिट टीम होती है या उस टीम में जो मेंबर्स होते हैं, तो हम उसे झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं. जब वह जानबूझ के उस गेम में चीटिंग करने की कोशिश करता है तो हम उससे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं. सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर, सम मीन्स कुछ, कॉमन मीन्स जनरली, कॉमन मीन्स सामान्य. एग्जाम्पल्स हैं, द बॉल डिड नॉट टच माई बैट. जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल एंड बैट यूज करते हैं, आप लोग भी करते हो, हम लोग भी करते हैं, क्रिकेट बैट एंड बॉल से खेला जाता है. तो द बॉल मीन्स गेंद, डिड नॉट टच, टच नहीं हुई, माई बैट मीन्स मेरे बैट से. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि आज जो कैसे हम चीटिंग करते हैं कुछ बच्चे. तो द बॉल डिडंट टच माई बैट, जब बॉल है वह हमारी बैट को टच भी नहीं होती है. ही डिडंट टच मी, और उसने, उसने किसने, अपोनेंट टीम का जो प्लेयर होता है उसने, डिडंट टच मी, उसने मुझे टच नहीं किया. बोनस लाइन इज नॉट क्लियर. बोनस, यहाँ क्रिकेट जब खेलते हैं तो मिडल में एक सेंटर लाइन होती है, उसको क्या कहते हैं, बोनस लाइन. इज नॉट क्लियर, उसने वह क्लियर नहीं की और उसने मेरे को टच नहीं किया. एंड आई हैव क्रॉस्ड द बोनस लाइन, और मैंने, आई मीन्स जो खुद खेल रहा होता है, आई हैव क्रॉस मीन्स मैंने पार की द बोनस लाइन एक्सेट्रा. तो इसमें चीटिंग कैसे करते हैं, कभी कभी हमारे जाने अनजाने में हमें पता नहीं होता है, तब हमसे गलती हो जाए तो इट्स ओके. बट समटाइम्स प्लेयर ट्राइज टू चीट. तो प्लेयर्स क्या करते हैं, जानबूझ के चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं. लाइक एज एग्जाम्पल, जब बॉल हमारे बैट से टच भी नहीं होती है और जो सामने वाली अपोनेंट टीम का जो मेंबर होता है वह, उसने मेरे को टच भी नहीं किया होता है और उसने बोनस लाइन भी क्लियर नहीं की है, क्रॉस नहीं की है, लेकिन मैंने बोनस लाइन को, और वो ऐसे ही कह देता है कि मैंने इस बोनस लाइन को क्रॉस कर लिया है. तो ना उसकी बॉल उसके बैट के टच हुई, ना उसने बोनस लाइन क्रॉस की, और वो ऐसे ही झूठ कह देता है, चीटिंग करता है कि मैंने बोनस लाइन क्रॉस कर ली है. तो ऐसे चीटिंग नहीं करनी चाहिए गेम में, आप लोग करते हो, ऐसे नहीं करनी चाहिए. टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स, ईच गेम हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड. टू अवॉइड मीन्स छोड़ देना चाहिए, सच प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स को. ईच गेम हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स, प्रत्येक गेम का खुद का रूल्स होता है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए. तो कोई भी गेम खेलते हैं तो सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, तो हमें उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए. इन केस ऑफ अनफेयर प्ले, इन केस ऑफ अनफेयर प्ले, इन केस ऑफ अनफेयर प्ले. केस मीन्स मुद्दा, अनफेयर मीन्स अच्छे से नहीं, प्ले मीन्स खेलते हैं जब हम अच्छे से नहीं खेलते हैं. द प्लेयर मे बी पेनलाइज्ड फॉर कमिटिंग अ फॉल. तो इन केस ऑफ अनफेयर प्ले, इन केस ऑफ अनप्लेयर प्ले द प्लेयर मीन्स खिलाड़ी. प्लेयर मीन्स क्या होता है, खिलाड़ी. एंड पेनलाइज्ड मीन्स सजा देना, दंड देना. पेनलाइज्ड मीन्स क्या होता है, पेनलाइज्ड मीन्स सजा देना. फॉर कमिटिंग अ फॉल, तो जब हम अच्छे से नहीं खेल रहे होते हैं तो प्लेयर जो होता है वो हमको सजा देता है हमारी गलती के लिए. फॉल मीन्स गलती, हमारी गलती के लिए वह हमें सजा देता है. बिफोर प्लेइंग अ गेम, गेम को खेलने से पहले, बिफोर मीन्स पहले, गेम खेलने से पहले, द प्लेयर्स मस्ट नो द रूल्स ऑफ द गेम्स. गेम को खेलने से पहले प्लेयर्स मीन्स खिलाड़ी, मस्ट मीन होना चाहिए, नो मीन्स जान लेना चाहिए, रूल्स ऑफ द गेम. तो कोई भी गेम को स्टार्ट करने से पहले हमें उनके रूल्स को
जान लेना चाहिए कि इस गेम के लिए कौन कौन से और क्या क्या रूल्स होते हैं। तो आप लोग भी जानते हो कि नहीं जानते हो, या सीधा ही गेम खेलना स्टार्ट हो जाते हो? नहीं ना, उसके गेम खेलोगे आप, उसके रूल्स जानोगे कि नहीं जानोगे? जानोगे ना। तो हमें कोई भी गेम खेलने से पहले उसके रूल्स जान लेने चाहिए। अ रेफरी और एन एम्पायर इज ऑल्सो नीडेड इन अ गेम। अ रेफरी मीन्स एक रेफरी जो होता है, क्रिकेट खेलते हैं तब जो एम्पायर डिसीजन लेता है उसको हम बोलते हैं एम्पायर। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पायर। अ रेफरी और एन एम्पायर इज ऑल्सो नीडेड इन अ गेम। एम्पायर मीन्स जो एक क्रिकेट की टीम में होता है ना एम्पायर, और रेफरी वो डिसीजन लेता है कि कौन आउट हुआ है कौन नहीं आउट हुआ है। ऑल्सो नीडेड अ गेम, तो यह सभी गेम में नीडेड मीन्स ज़रूरत होती है, सभी गेम में एम्पायर एंड रेफरी की ज़रूरत होती है। ही और शी एंश्योर्स दैट द गेम इज बींग प्लेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो शी एंड ही जो भी लड़का या लड़की इस गेम को खेल रहा होता है, किसको? अकॉर्डिंग टू रूल्स, इस गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग खेलना चाहिए। जो भी इस गेम को खेलता है उसको गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग खेलना चाहिए। द डिसीजन ऑफ द रेफरी और एम्पायर इज फाइनल। डिसीजन मीन्स तय करना। तो यह डिसीजन कौन लेता है? रेफरी और एम्पायर। फाइनल डिसीजन कौन लेता है? रेफरी और एम्पायर। तो हम कोई भी गेम खेलते हैं तो हमें गेम के रूल्स को जान के ही खेलना चाहिए, एंड एम्पायर ही फाइनल डिसीजन लेता है। नेक्स्ट खो खो। यहाँ पे आपको एक बॉक्स में खो खो गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस गेम में आपको। यस, तो रीड आउट। ईच खो खो टीम कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स, बट ड्यूरिंग अ कॉन्टेस्ट ओनली 9 प्लेयर्स फ्रॉम ईच टीम टेक द फील्ड। ईच खो खो टीम, प्रत्येक जो खो खो की दो टीम्स होती है, तो एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 12 प्लेयर्स, एंड कंटेस्ट हैव 9 प्लेयर्स। लेकिन जब कंटेस्ट मीन्स मैदान में खेलते हैं गेम, तो 9 प्लेयर्स ही ईच टीम के फील्ड में आते हैं, पार्ट लेते हैं, 9 प्लेयर ही पार्ट लेते हैं। देयर आर टू लाइनिंग्स इन अ मैच। देयर आर टू लाइनिंग्स इन अ मैच, तो मैच के बीच के मैदान में एक लाइन होती है, तो टू लाइनिंग्स इन अ मैच, टू लाइन होती है। टोटल एरिया नीडेड टू 30 मीटर टू 19 मीटर, तो कितना एरिया नीडेड होता है खो खो को खेलने के लिए? 30 मीटर टू मल्टीप्लाई 90 मीट 19 मीटर। लोबी ऑन ऑल साइड इज 1.5 मीटर वाइड। तो लोबी ऑन ऑल साइड्स इज 1.5 मीटर वाइड। द गेम कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरियस डिफेंस एंड चेसिंग स्किल्स। द गेम कंसिस्ट मीन्स रखता है न्यूमेरियस डिफेंस, कुछ बचाव के लिए रखे जाते हैं न्यूमेरियस डिफेंस एंड चेसिंग स्किल, एंड कुछ अपनी स्किल के डेवलपमेंट के लिए भी रखा होता है। ये गेम किस लिए रखे हैं? डिफेंस एंड चेसिंग स्किल्स। तो इस गेम में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि गेम फील्ड में ये टू टीम्स क्या प्ले कर रही है? खो खो गेम प्ले कर रही है। नेक्स्ट, अ प्लेयर मे गेट हर्ट वाइल प्लेइंग अ गेम। अ प्लेयर मीन्स एक खिलाड़ी में गेट हर्ट मीन्स हर्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है। वाइल प्लेइंग अ गेम, जब वह खेल खेल रहा होता है, तो एक खिलाड़ी जब खेल खेल रहा होता है तो वह हर्ट हो जाता है। देयर फॉर इन द स्कूल फील्ड अ फर्स्ट एड किट इज ऑल्सो कैप्ट। देयर फॉर वहाँ इन द स्कूल फील्ड, जो स्कूल का फील्ड जहाँ हम गेम खेलते हैं वो जो फील्ड होता है, तो वहाँ पर फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट क्या होता है? जब किसी को कोई चोट लग जाती है, हर्ट हो जाता है, तो ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन वगैरह, जो पट्टी क्रीम जो लगाते हैं ना मेडिसिन के लिए, क्रीम वो उसको उस सब में रखी होती है, कैंची पट्टी टैब बैंडेड। हम एक बॉक्स में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप सभी ने देखा होगा फर्स्ट एड बॉक्स, देखा है कि नहीं? या यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स फर्स्ट एड बॉक्स। कैसा होता है फर्स्ट एड बॉक्स? जिसमें ये सब सामान
रखा होता है, डिटॉल, पट्टी, कैंची, बैंडेड ये सब रखते हैं, तो जब किसी को खेल खेलते समय चोट लग जाती है, वह हर्ट हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट रखते हैं फर्स्ट एड किट में। कैप्ट मीन्स रखना। इट इज़ एन एसेंशियल आइटम ड्यूरिंग इंटर स्कूल कंपिटिशन। एसेंशियल मीन्स जरूरी, आवश्यक है आइटम ड्यूरिंग इंटर स्कूल कंपिटिशन। जब स्कूल में कोई भी कंपटीशन होता है गेम का, तो ये सब एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, ये सब चीज़ें रखनी चाहिए। फॉलोइंग आइटम्स आर देयर इन अ फर्स्ट एड किट: कॉटन बैंडेज, बैंडेड एंड एंटीसेप्टिक लोशन, क्रीम लाइक आयोडीन सॉल्यूशन, पेन किलर स्प्रे, क्रीम बैंडेज एंड ग्लूकोज पाउडर एक्सेट्रा। तो हमें क्या क्या रखना चाहिए? फॉलोइंग आइटम्स आर देयर इन अ फर्स्ट एड किट: कॉटन, कॉटन मीन्स रुई, बैंडेज मीन्स जो हमारे कहीं लग जाती है तो हम पट्टी बैंडेड जैसी एक छोटी सी पट्टी आती है ना, बैंडेड। एंटीसेप्टिक लोशन मीन्स एंटीसेप्टिक लोशन मीन्स एंटी बैक्टीरियल, जहाँ कोई बैक्टीरिया नहीं हो, कोई इन्फेक्शन नहीं हो वो लोशन। क्रीम, क्रीम मीन्स आयोडीन का एक सॉल्यूशन आता है। पेन किलर स्प्रे, जहाँ हमें दर्द होता है तो वहाँ पे एक स्प्रे, जैसे हम परफ्यूम वगैरह कैसे यूज करते हैं कपड़ों पे, वैसे ही जहाँ हमें कहीं लग जाती है, चोट लग जाती है, तो एक पेन किलर स्प्रे लगाने से हमें वहाँ से पेन होना, दर्द होना बंद हो जाता है। बैंडेज, ग्लूकोज पाउडर, ईटीसी, ये सब चीज़ें हमें कहाँ रखते हैं? फर्स्ट एड किट में रखते हैं। तो ये सब हमें एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, ये सब चीज़ें हमें फर्स्ट एड किट में रखनी चाहिए। सो हियर आवर कंटिन्यू चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।